हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स की एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिडिक ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए फिनॉल कुछ ऐसे होता है भाई, हमारा कुछ ऐसे बहुत अच्छे से देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, जो भी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस वीडियो में छोटे से पोर्शन में निपटा दूंगा मैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है या जो बना हुआ है, विच इज मोर एसिडिक, या ऐसे बनता है आउट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। एल्कोहल क्या होता है? आर ओ एच। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन ओ एच, ठीक है। अब हमें बताना है कि एसिडिक कौन सा ज्यादा है। तो इस चैप्टर में बहुत बार हमने बात की है कि एल्कोहल होते हैं एसिडिक होते हैं, ठीक है। एसिडिक किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन को लूज कर दे। मान लीजिए इसने प्रोटॉन को लूज किया, एच एन एच पॉजिटिव बनाया एंड ये ऑक्सीजन और यहां पे आर नेगेटिव, क्लियर, ऐसे होता है। एंड यहां पे इसने भी लूज किया प्रोटॉन एंड ये कुछ ऐसे बन गया एच पॉजिटिव एंड ये बेंजीन और ये ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्लियर होता है। तो दोनों ने ही प्रोटॉन लूज कर दिया तो दोनों ही एसिडिक हैं। अब आंसर आता है मेन पॉइंट जो बनता है विच इज मोर एसिडिक। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। बात यह है उन्होंने प्रोटॉन तो लूज कर दिया, क्या ये इस नेगेटिव चार्ज को अपने पर रख सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है कि हाँ इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को ये होल्ड करके रख सके? देखिए एक एग्जांपल में, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड यहां पे जो CH3 है, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं। देखिए दो तरह का इफेक्ट होता है, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई जो होता है वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करता है, माइनस आई जो होता है वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है, क्लियर है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कोई प्लस आई शो कर रहा है या माइनस आई शो कर रहा है? प्लस आई शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्लस आई शो करेंगे तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा। एंड जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हैं, वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेंगे। तो ये जो अल्काइल ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इस पे नेगेटिव, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं और एक और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई साहब तो डिस्टर्ब होंगे, भाई साहब को तो लगेगा कि गलती कर दी यार मैंने तो वो प्रोटॉन देके। तो ये इतना एसिड नहीं होता एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगर मैं बात करता हूं फिनॉल की या फिनोक्साइड आयन, हमने क्या किया यहां पे, इसने ओएच ने इस एच को दे दिया तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, आपको दिख रहा है। इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, ये है एल्कोक्साइड आयन। यहां पे जो बेंजीन है ये क्या लेके आएगी, बेंजीन में क्या होता है रेजोनेंस होता है, एंड कौन से वाला रेजोनेंस, यहां पे होता है प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेंस। क्या होता है पॉजिटिव रेजोनेंस? जब इलेक्ट्रॉन्स चेन की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये चेन्स की तरफ जाएंगे कुछ ऐसे, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये बॉन्ड को आगे भेजेगा। तो समझाया हुआ मैंने लास्ट में भी बहुत अच्छे समझाया, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो है। अब ये तो इस नेगेटिव को कहीं भेज ही नहीं सकता था, इवन जो इसके साथ ग्रुप लगे वो भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव करना चाह रहे हैं। अब जैसे इस पे नेगेटिव था, इसने तो नेगेटिव को आगे भेज दिया, भाई तो रिलैक्स है, समझ लो ना, बेंजीन ने इसकी टेंशन को खत्म कर दिया, तो टेंशन मत ले, हम इस नेगेटिव को होल्ड करेंगे, तो चिंता मत ले, हमें दे,
तो प्रोटोन को देख भाई, प्रोटोन को दिया तो एसिड बन गया, प्रोटोन को इसे नहीं दिया एसिड बन गया, बट यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया जा रहा है, तो भाई को मैसेज होगा गलती होगी। यहां पे ऐसा नहीं हुआ, यहां पे इस नेगेटिव को आगे भेज दिया, अब ये नेगेटिव आगे चलेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड आगे, बहुत अच्छे समझा रखा है, दैट्स व्हाई मैं डीप में नहीं जा रहा हूं क्या हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आगे चलते हैं बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बॉन्ड ज्यादा रहते हैं तो अगला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड को यहां पे नेगेटिव, क्लियर, फिर आगे जाएगा ये आगे ऐसे, यहां पे आ गया नेगेटिव, ये इस वाला है ये वाला, ठीक है, फिर ये नेगेटिव को आगे भेजिएगा और ये बॉन्ड को ऐसे, इसे क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो क्या है, फिनोक्साइड जो आयन है, फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, किस वजह से, ड्यू टू दी रेजोनेंस। एल्कोक्साइड आयन पे कोई रेजोनेंस नहीं है, दैट्स वाई वो स्टेबल भी नहीं हो सकता, फिनोक्साइड आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर है या नहीं, एक मिनट में चेक कर लू सही से दिखाई दे रहा है या नहीं आपको सब कुछ, ओके सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए ये बात हो गई, समझ में आया, अल्कोहल और फिनोल में से ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनोल है, क्यों है ज्यादा एसिडिक, ड्यू टू रेजोनेंस। अभी फिनोल में भी बहुत सारे फंडे होते हैं, फिनोल्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आप मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए जैसे कि ये फिनोल है, फिनोल के पास मान लीजिए कि यहां पे पैरा पोजीशन पे कोई और ग्रुप लगा है, यहां पे कोई ग्रुप लगा है, इस साइड भी कोई ना कोई ग्रुप लगा हो सकता है, मान लेते हैं कि यहां पे जो कोई ग्रुप लगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रो करने वाला ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है, लाइक आपके पास NO2 हो गया, लाइक आपके पास CN हो गया, और भी बहुत सारे हैं, और यहां पे कोई आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, जैसे कि क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, या OH रहने दो, OCH3 या फिर CH3, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो याद रखिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगेगा दे इंक्रीज द एसिडिक नेचर, याद रखना वो एसिडिक नेचर को हमेशा बढ़ाएंगे। जब भी आप देखो कि फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा है तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे, और जब भी आप देखो कि क्या लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज एसिडिक नेचर या डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन ये सबसे बढ़िया एसिड, ये तो बीच वाला ही है और ये घटिया एसिड है, ये कैसे भी करेक्टर को डिक्रीज करते हैं, क्लियर है, समझ आ रही है बात। चलो अभी अगली बात, पोजीशन का बड़ा फंडा रहता है यार, पोजीशन का, अच्छा NO2 क्या है, NO2 की बात करें बहुत बार आपको NO2 ही देखने को मिलेगा, NO2 इज नाइट्रो एंड नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, फोकस करना कि उसने प्रोटॉन दिया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उस नेगेटिव को खींच लेंगे, और जब कोई से नेगेटिव को खींच लेगा, लाइक मेरे पास समझो आप स्टूडेंट हो, नोट्स का बोझ बहुत ज्यादा, और आपका एक फ्रेंड कहे चल यार आधे रास्ते मैं लेके चलता हूं, दूसरा फ्रेंड कहे चल यार आधे रास्ते मैं लेके चलता हूं, मजा आएगा, स्टेबल हो जाओगे, नोट्स है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोझ है, बुक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोझ है, एक और अपने डाल दे तो दिक्कत होगी, विड्रॉ करना आपको खींचना, वो से नाइट्रो को खींच लेंगे तो उसको ज्यादा एसिडिक बनाएंगे। नाइट्रो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि आपके पास दो तीन तरह के हैं, एक है ये OH, ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे मेटा नाइट्रो फिनोल एंड इट इज कॉल्ड पैरा नाइट्रो फिनोल।
अगर कभी आपका इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, या फिर एक सिंपल है, सिंपल फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, बताइए। देखो नो डाउट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ये रेस के विनर हैं, ये जीत गए, ये भाई साहब हार गए। तो सबसे कम एसिडिक कौन है? डी, यही पे हार गए। अब इनमें से कोई विनर होगा, तो ऐसे चांसेस में जब भी आपके पास आए तो आप सिंपल क्या करोगे, जो पैरा पोजिशन होती है, यानी कि सी ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आपने देखा हो, क्योंकि ना फिनोल क्या शो करेगा, पॉजिटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे जाता है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। इवन जब ये NO2 ग्रुप लगते हैं ना, तब सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो, ठीक है। ऑर्थो पैरा भी आएगा ना नेगेटिव, और उस नेगेटिव को खींचेंगे अपनी तरफ, तो बाई को स्टेबिलिटी मिलेगी अच्छी वाली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पैरा वाला, फिर होता है ऑर्थो वाला, यानी कि यहां पे ए, और उससे कम क्या होगा, ये बी वाला। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, क्लियर है? मतलब अगर आपको पोजीशन दे दी जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है, तो पैरा वाले बेस्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा ग्रुप मिले, यही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आपको एक से ज्यादा मिले, जैसे कि ये OH और इसके साथ तीन, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसे कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, सॉरी यहां पे NO2 आना चाहिए, यहां पे OH, ये है पैरानाइट्रोफिनोल एंड ये है सिंपल OH। तो देखिए जिसमें NO2 लग गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गए, तो ज्यादा एसिडिक बनाएंगे, तो भाई साहब तो यहीं पे हार गए। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उतने ज्यादा एसिडिक नेचर होगी। तो सबसे बढ़िया एसिड ये, फिर ये और फिर ये वाले, क्लियर होती है बात? चलिए ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से फेमस है, लाइक NH2, OCH3, CH3 और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करेंगे, एसिडिक रिएक्टर को डिक्रीज करेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा कौन डिक्रीज करेगा, देन ये, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे है। और इतने ज्यादा डीप में क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपने इतना, ठीक है। मान लो ये आ गया और आपसे ये पूछ लिया गया कि ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर अगर देखी जाए तो एनिलीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज कंपेयर टू CH3, ठीक है। कोई जिसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बोन को तोड़ के भेजेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इनमें से बढ़िया एसिड कौन होगा, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत भी नहीं है। जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो उतना घटिया एसिड होगा, तो घटिया एसिड ये हुआ ना, बढ़िया एसिड ये हो गया, क्लियर है। चलो अगर आपको पेपर में ऐसा हो कि आपको ना KA की वैल्यू गिवन हो या PKA की वैल्यू गिवन हो, तो आप क्या समझोगे? KA क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। याद रखिए डिसोसिएशन, के एक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, एसिडिक करेक्टर उतना बढ़िया होगा। पॉसिबल है, आपको याद नहीं रखना, आपको गिवन हो सकती है दो तीन मॉलिक्यूल की, आपको के एक वैल्यू गिवन हो तो आपको बताना कौन बढ़िया एसिड है। तो आप क्या बोलोगे, जिसकी के एक वैल्यू ज्यादा वो बढ़िया एसिड। पी के ए क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए। तो पी के ए का उल्टा सिस्टम है, जिसकी पी के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही घटिया होगा, ठीक है। के ए की वैल्यू ज्यादा होगी बढ़िया एसिड होगा,
के एक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक रिएक्टर उतना घटिया होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर घटाते हैं। एल्कोहल और फिनॉल में से बढ़िया एसिड फिनॉल होता है, क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। और यही है आपका एसिडिक नेचर, बहुत काम आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगी, ठीक है? और बहुत हेल्प करेगा ये आपको जेई में, नीट में और बोर्ड के एग्जाम में। ओप के आप सभी अच्छे से नोट्स बना रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, जो प्रॉमिस किया हुआ है 2 घंटे डेली पढ़ने को पूरा भी कर रहे हो, इसके अलावा 1-2 काम वो भी कर ही रहे हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो ना सभी ग्रुप्स में, ठीक है? मतलब आपका भी सपोर्ट चाहिए मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी है वीडियो, और किन किन टॉपिक्स में डाउट है वो भी जरूर बताइए। एंड अगर आपके लिए पॉसिबल है देन आप लोग, और आप लोग चाहते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना पॉसिबल हो और आप चाहते हो तभी, देन आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। पेटीएम की पेटीएम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।